हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर एसी टेक चैनल, जहां पर आपको मिलेगा पूरा सॉल्यूशन आपके प्रॉब्लम का। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम लोग कैसे स्नैपचैट की मेमोरीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को स्नैपचैट के एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा आपकी पिक्चर्स वगैरह का, वीडियोस वगैरह का, मेमोरीज़ का। तो सिंपल आप लोगों को इसके अंदर टैप करके आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को सिंपल यहाँ पर आप लोगों की सारी फ़ोटोज़ वगैरह, जो वीडियोस वगैरह हैं, स्नैप वगैरह, वो सब दिखती होंगी। सिंपल आप लोगों को किसी भी एक स्नैप के ऊपर टैप करके रखना है, और ऊपर सिलेक्ट ऑल का आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा। सिंपल आपको इसके ऊपर टैप करके सारी स्नैप्स को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको टैप करना है। और यहाँ पर टैप करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 60 सेकंड से ज़्यादा वीडियोस लॉन्गर ना हो, तो जो लॉन्गर हैं उनको आप लोगों को अनसिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर आपको कुछ सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से हम शेयर के ऑप्शन के ऊपर टैप करते हैं, तो आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ भी शेयर हो सकती है। और अगर हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपल हम लोग डाउनलोड कर लेंगे और हमारी जितनी भी स्नैप्स हैं सब डाउनलोड हो जाएंगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।